आयोग के जो SC ST आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, उसके चेयरमैन का ये बड़ा बयान आया है। झारखंड CM को लेकर अरुण हल्दर का ये बयान आया है, SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं हेमंत सोरेन। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कानून का दुरुपयोग किया है, SC ST एक्ट को लेकर अगर भ्रष्टाचार किया है तो जरूर कार्रवाई होगी, ये अरुण हल्दर कह रहे हैं। दूसरे पक्ष से अगर हम देखें तो ये बात अब सामने आ रही है, इसको लेकर आप कैसे जोड़ेंगे? क्या SC ST एक्ट का वो किसी तरह से फायदा उठाने की हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे थे? मुनीश, जब एक FIR दर्ज की गई ED के अधिकारी के खिलाफ में, तो इस तरह की बात माना जा रहा था कि एक बदले की भावना से किया जा रहा है। हाँ। और कहीं ना कहीं इसमें ED के अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है कि आपने सवाल जवाब किया हेमंत सोरेन से तो हमारी सरकार है, हम आपके ऊपर ये मामला दर्ज करा रहे हैं। तो इस तरह की बातें पहले भी हमने देखी है, बंगाल में जब रेड होता है तब भी हमने देखा है कि ED के अधिकारियों के ऊपर मामला दर्ज कराया जाता है। उसी तरह से हमने तमिलनाडु में भी देखा हुआ था। खैर, इस मामले में संगीन धाराएं लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ED अधिकारियों का यह मानना था कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। कहीं ना कहीं ED के अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही थी कि इस मामले में वो ज्यादा हेमंत सोरेन से पूछताछ न करें या कोई कड़ी कार्रवाई न करें। लेकिन इस बारे में जब ED के अधिकारी हैं, उन्होंने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार में, उनको भी ये बात पहुंचाई कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। मैं लौट रही हूं, एक सेकंड मुनीश, और मैं वापस आऊंगी तो आप गिनकर एक एक करके कौन से ऐसे प्रामाणिक सबूत थे जिसकी वजह से आज अरेस्ट की नौबत आई है। और कड़ियां शुरू करेंगे दिल्ली से, जब अपने घर से वो अचानक रातों रात लापता हो गए थे, वो इनकम्युनिकेडो थे, वहां पर राज्यपाल भी ने भी ये कहा, और उसके बाद से आज जो कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले पीयूष, आपकी खबर है, ये जल्दी से बताएं, SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं हेमंत सोरेन, ये SC ST आयोग के प्रमुख ने कहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज तक से बातचीत में अरुण हल्दर, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको ये बताया है कि ये पूरी तरह से कानून का दुरुपयोग है। अगर मुख्यमंत्री इस तरह की चीज करेंगे तो जनता का क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो जनता का रखवाला होता है और ये जो कार्रवाई करने की बात वो कर रहे हैं ED के अधिकारियों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से वो डरे हुए हैं, किस तरह से वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने ये कही कि अगर ये केस फाइल होता है ED अधिकारियों के खिलाफ तो कोर्ट वो जाएंगे और कोर्ट जाते ही सबसे पहली फटकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही पड़ेगी, क्योंकि ED किसी भी तरह से पर्सनल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है। ED के अधिकारी हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास सबूत है हेमंत सोरेन के खिलाफ, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। अगर ये कोर्ट में मैटर जाता है तो ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री को, और उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है क्योंकि मिसयूज ऑफ लॉ के तहत आता है और इसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये अरुण हल्दर का कहना है। अब देखना होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होती है। आपको बता दें अंजना कि कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि उन्होंने एक पत्र लिखा था झारखंड पुलिस को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की रिकवरी उनके घर दिल्ली वाले आवास से हुई है वो जो सामान है वो उनका नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो ED अधिकारियों के खिलाफ, ये मांग उस पत्र में की है। अब जो अरुण हल्दर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये दिखाता है कि किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से जो रखवाला राज्य का है वही कानून का दुरुपयोग कर रहा है, तो कैसे जो है जनता आगे न्याय की उम्मीद करेगी। बड़ी बात उन्होंने कही कि उनके खिलाफ पड़ सकता है, काउंटर एक्शन जो है उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं। अंजना, अपने ही फांस में वो किस तरह से, क्योंकि आज मैं मुनीश आपसे समझना चाहती हूँ, जब तक ये खबर आ रही है, और आप नजर रखिएगा क्योंकि किसी भी वक्त आपने कहा है गिरफ्तारी हो सकती है, तस्वीरें हम वहां की लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको लिए चलेंगे वहां भी। लेकिन मुनीश, कौन से वो ऐसे प्रामाणिक सबूत थे जिस पर जवाब नहीं दे पाए, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं पूछताछ में? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आपको याद होगा कि दिल्ली में जब हेमंत सोरेन पहुंचे थे तो वहां पर तड़के सुबह ED की एक टीम पहुंची थी वहां पर छापेमारी करने के लिए। छापेमारी के दौरान में ED ने वहां पर कुछ दस्तावेज इकट्ठा किए हुए थे, उन दस्तावेजों में वो दस्तावेज भी मिले जो कि जमीन घोटाले से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि ED के पास में जो नए सबूत आए हैं उसको लेकर। सत्यजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुनीश एक वक्त हलचल है, आप भी देखिए अगर आपके सोर्सेस कोई खबर भेजते हैं। सत्यजीत जल्दी बताइए क्या हो रहा है, ये विधायक निकल रहे हैं क्या वहां से?
बिल्कुल यहाँ पे आने की संभावना है उनकी, और ये यहाँ से समय तो तय नहीं थी यहाँ पे किया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब बहुत वेरी सून दे आर गोइंग टू अराइव। और यहाँ पे देखिए हलचल बढ़ गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसिव डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन होता है तो चेंज ऑफ गार्ड की भी संभावना हो सकती है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजभवन सोर्सेज जो बता रहे हैं कि यहाँ जैसे ही ईडी की कोई कार्रवाई होती है या ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे रूलिंग अलायंस जो है उनके विधायक यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसके अगर चेंज ऑफ गार्ड की संभावना होती है तो कल्पना सोरेन जो है स्वाभाविक चॉइस होगी, और उसको लेकर पहले ही कल के बैठक में ही एक सिग्नेचर जो है वो करवाया गया था ब्लैंक पेपर पे, और अब हेमंत सोरेन जो है सबसे ज्यादा कन्फाइड कर सकते हैं तो इनके अपने पत्नी के ऊपर ही। हाँ, जाहिर तौर पर उनको भरोसा अपनी पत्नी पर भी होगा, इससे पहले भी हमने देखा है ये बिहार वाला मॉडल है जिसमें टेम्पलेट यही है कि पत्नी को सत्ता सौंप दी जाए। अब यहाँ पर क्या होता होगा, चित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई, क्या खबर है वहां से? देखिए जानकारी यही मिली है अंजना कि जो विधायकों से भरी हुई बस थी वो निकल गई, हालांकि 9 से 9:30 बजे का जो चेंजेस टाइम बाद में आया था उसमें ये बदलाव किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यकीनन राज्य को किस विश्वसनीय चेहरे के भरोसे छोड़ा जाए, वही चिट्ठी लेकर ये सब लोग राजभवन पहुंच रहे हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा हलचल है। लेकिन यहां पर भी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, आपको बता दें बहुत बड़ी तादाद में सीएम हाउस के भीतर जो पुलिसकर्मी है वो गए हैं, ये गेट नंबर 2 है, पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एसएसपी की गाड़ी खड़ी है, कतारों में एक साथ बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। पीछे की तरफ आइए, जो दूसरा गेट है वहां से अब से कुछ ही देर पहले बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी थे वो भीतर की तरफ दाखिल होते हैं, और फिर वैसे ही जानकारी निकलकर सामने आ जाती है कि सभी लोग यहां से निकलकर अब सीधे राजभवन जा रहे हैं, यानी कि विधायकों से भरी हुई जो गाड़ी है वो, और यहां पर आप देखिए कतारों में किस तरह से ये गाड़ियां खड़ी हो गई हैं ताकि जब लेकर जाया जाए हेमंत सोरेन को यहां से तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने पाए। यहां पर अभी सन्नाटा है, अब किस गेट से उनको निकाला जाएगा, सुबह जब ईडी के अधिकारी आए थे तो इसी गेट से भीतर की तरफ दाखिल हुए थे, यहां पर एक दो गाड़ियां और भीतर गई और उसके बाद खाली बाहर भी निकलती हैं, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अभी अंदर गए हैं। कुल मिलाकर अब हेमंत सोरेन को लेकर यहां से ईडी के अधिकारी कब निकलेंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन सभी यहां से सीधे राजभवन जा रहे हैं जो विधायक हैं, और राज्य में उनकी सरकार खतरे में नहीं आए इसका कोई दूसरी पार्टी फायदा नहीं उठाने पाए, इंटैक्ट रखे अपनी कम से कम पार्टी को, इस वजह से कोशिशें काफी ज्यादा तेज कर दी गई हैं, और ये माथापच्ची पिछले 10 दिनों से चल रही थी। हेमंत सोरेन जब गायब हो गए थे, जब सो कॉल्ड गायब होने के बाद बीजेपी की तरफ से उनकी ओर से कही जा रही थी, तो उस समय यही प्लान तैयार कर रहे थे, अपने वकीलों के साथ बैठ कर लगातार वो माथापच्ची कर रहे थे कि किस तरह से राज्य की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी को सौंपा जाए, और उनकी पत्नी का नाम सबसे आगे है। कुल मिलाकर यहां पर हलचल तेज है, इंतजार किया जा रहा है ईडी के अधिकारी कितनी देर में निकल लेकर हेमंत सोरेन को जाते हैं यहां से।